नाजरीन आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। एडवोकेट जनरल ऑफिस के सरकारी वकला की नून लीग की रैलियों में शिरकत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चौधरी शुएब सलीम एडवोकेट और निसार अहमद एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में ये आईनी दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौकिफ इख्तियार किया गया कि एडवोकेट जनरल ऑफिस में सियासी बुनियादों पर लॉ ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जो रियासत की बजाय सियासी जमात के मफादात को तहफ्फुज़ फराहम करते हैं। इन लॉ ऑफिसर की तैनाती का कोई तरीकेकार वज़ा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये लॉ ऑफिसर सियासी जमातों की रैलियों और इजलासों में भी शिरकत करते हैं। तनख्वाह और मुराआत अवाम के टैक्सों से लेते हैं, लेकिन रियासत के मफादात का तहफ्फुज़ नहीं करते। इसी वजह से गुज़िश्ता दिनों साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल खावर इकराम भट्टी ने पुलिस अफसर को थप्पड़ मारा। किसी सरकारी वकील का पुलिस अफसर को थप्पड़ मारना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि एडवोकेट जनरल ऑफिस के लॉ ऑफिसर्स की लीगी रैलियों में शिरकत रोकने और लॉ ऑफिसर्स की तैनातियों के लिए कानूनी तरीकेकार वजह करने का हुक्म दिया जाए।